नमस्कार, मैं नरेंद्र मुखीजा अपने YouTube चैनल पे मैं आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, इस समय हूं मैं अलवर अनाज मंडी में और कुछ किसानों से मालूम कर लेते हैं आज उनकी सरसों क्या क्या भाव की है। तो दोस्तों, मेरे सामने तीन किसान बैठे हैं। सबसे पहले ये भैया, भैया नाम बताओ पहले अपना। अशोक। गाँव कौन सा है? हाजीपुर। आप कितनी बोरी लाए हो सरसों की? दो एक बोरी लाए हो। तो आपकी जैसे पूरी बीघा में कितनी निकली है? एक बीघा में बस एक बीघा में दो ही बोरी? ऐसा क्या कारण हुआ? खराब होगी कोई बात होगी? तो फिर क्या भाव बिकी है? दो बोरी 6200 बिकी। उसमें गील कितनी आ रही है? सूख सूख है। अच्छा, और आपके हाजीपुर में क्या स्थिति है वैसे? सरसों कितनी निकल रही है? एक बीघा में नहीं, कितनी निकल रही है? इतने ही, मतलब ये तो चार बोरी का मतलब 10-12 मन हो गया, इतना ही बीघा बैठ रहा है। आप ही भैया हाजीपुर डेडीपुर, आपकी कितनी बोर लेके आए हो? आपकी भी 1.5-2 बोरी, तो आपकी भी इतनी निकली है? ये आध बीघा की सरसों है। तो आपकी क्या भाव की है? 6200। और गील कितनी आ रही है? 11। और भैया आपकी? 3 बोरी। आपकी 3 बोरी, गांव एक ही है हाजीपुर। तो अपनी क्या भाव की है? 63। और अपनी गील कितनी आ रही है? 8 गील आ रही है। ठीक है भैया, धन्यवाद। अपना एक किसान के पास और चलते हैं। सबसे पहले तो भाई नाम बताना अपना। तेजपाल। गांव कौन सा है? नंगला समाजी। तो आप सरसों कितनी बोरी लेके आओ? 15 बोरी। क्या भाव बिकी अपने? 6800। लैब कितनी आ रही है उसमें? 42। लैब 6800 बिकी है। अच्छा, ये बताया आपके नंगला समाजी में मतलब एक बीघा में कितनी सरसों निकल रही है? 18 मन का बीघा बैठ रहा है आपका? ठीक ठाक बैठ रहा है, अच्छा बैठ रहा है, ये इसको ठीक कहते हैं। ठीक है सर, धन्यवाद। तो जैसे आपको मालूम है अलवर मंडी में नई सरसों का सीज़न चल रहा है, तो किसान तो अब चारों तरफ मिल रहे हैं। मेरे सामने किसान बैठे हैं, नाम बताएं पहले अपना। साहिल खान। साहिल खान, गांव कौन सा है? गांव नंगली मेगा। कितनी बोरी लेके आए सरसों की आप? हम लेके आए कट्टे, लेके आए। कितने कट्टे? 28 कट्टे। 28 कट्टे। तो क्या भाव की अपनी? अपनी बिकी 6750। तो गील कितनी आ रही है उसमें? 8 गील आ रही है। नंगली मेगा में एक बीघा में कितनी सरसों निकल रही है, कुछ आइडिया? आपकी कितनी निकली है? हमारी 2.5 बीघा में निकली है, 28 कट्टे। 2.5 बीघा में 28, तो एक कट्टे में कितना वजन है? एक कट्टे में तकरीबन 50 होगा। 50, तो 14 क्विंटल हो गई है। 14 × 28 35 मण के करीब 2.5 बीघा में, तो 14 मण का ही बीघा हो गया। ठीक है सर, धन्यवाद। तो दोस्तों, एक किसान और बैठे हैं। सबसे पहले तो नाम बताओ अपना। मेरा नाम रहमान खमेवा। ये गांव कौन सा अपना? ग्राम भुआगा। भुआगा। तो आप कितनी बोरी लेके आए सरसों की? ये 15.5 बोरी है। 15.5 बोरी। तो आपकी क्या भाव की है? ये 6650। तो उसमें गील मॉइस्चर कितना रहे? गील 9 के आसपास। 9 के आसपास। किसकी फट पिलाया हो? पप्पू प्रधान। तो आपके वहाँ पर क्या एक बीघा में कितने मण में बैठ रही है सरसों? भाई ये कम से कम 17 मण का बीघा बैठेगी। अच्छा, आपके 17 मण का बीघा फिर भी बैठ रहा है। मिट्टी वगैरह कैसी है आपके एरिया की? चिकनी और मजबूत है, इसलिए सरसों ज़्यादा बैठ रही है। 20 मण की बैठ रही है हमारे। अच्छा, 20 मण का बीघा भी आपने पहले बेच गया 17,000 की 5-20। अच्छा, तो आपका 20 मण का बीघा भी बैठ रहा है। चलो ठीक है सर, धन्यवाद। लगा दिया, खाद दे दिए। अब सरसों के अलावा बात क्या करोगे अभी? अच्छा नहीं, उस खेत सरसों खेत में अब ज्वार करेंगे, चरी ज्वार के लिए। अच्छा, पशुओं के लिए ज्वार करोगे? ठीक है भाई, अंकल जी धन्यवाद। तो दोस्तों, एक नेताजी हमारे सामने बैठे हैं। और काम कौन सा काम है अपना? हाँ जी, तो नेताजी नाम है आपका? अच्छा, नेताजी क्यों बोलते हैं? मतलब नेताजी कैसे बोल रहे हैं? मतलब ये आप क्या बता रहे थे इनका नाम? नेताजी कहे हैं ऐसे वैसे। अच्छा, नेताजी। तो आप कितनी बोल लेके आए सरसों की? 5-1 बोरी। क्या भाव की अपनी? 47। तो इसमें गील कितनी आ रही है मॉइस्चर? रत्ती भर रत्ती भर नहीं है, बढ़िया सरसों है। और आपके हाजीपुर में क्या बीघा बैठ रहा है? एक बीघा में कितने मण सरसों बैठ रही है? 14-15। तो आपकी मिट्टी कैसी है हाजीपुर की? मतलब कैसी है? अच्छा, ज़्यादा उपजाऊ नहीं है। चलो ठीक है सर, धन्यवाद। किसान के पास ये सरसों तो नहीं लाए हैं, गेहूँ लेके आए हैं। सबसे पहले तो नाम बताओ अपना। कमल। गांव कौन सा है? तो कितनी बोरी लेके आए हो गेहूँ की? 3 बोरी है। 3 ही बोरी लेके आओ? नई थोड़ी अभी नई? तो नहीं। तो नई कब तक निकलेगी? नहीं तो अभी लगा लो 7-8 दिन बाद चालू हो जाएगी। हाँ। तो अपनी नई ये पुरानी गेहूँ क्या भाव की है? पुरानी अभी 2100 कुछ गई है। आपकी 2100 कुछ गई है? मतलब एक्चुअली भाव अभी मालूम नहीं है क्या आपको? 2100 कुछ बोल रहे हैं आप? ठीक है सर, धन्यवाद। तो सरसों के बाद थोड़ा जौ की भी पोजीशन ले लेते हैं। जौ का दोस्तों आज ऊंचे में भाव 2900 रुपये प्रति क्विंटल रहा। और
दोस्तों गेहूँ जो रहा लगभग 2145 रुपये प्रति क्विंटल के करीब रही। और दोस्तों अलवर मंडी में सरसों की आवक लगभग 15 से 20 हज़ार कट्टों की बनी हुई है। भाव लगभग 42 कंडीशन का 66 और 67 सौ के बीच में रहा। चलते एक किसान के पास और। सबसे पहले भैया नाम बताएं अपना। योगेश कश्यप। योगेश कश्यप, गांव कौन सा अपना? कैरवा जाट। तो आप कितनी बोरी लाए हो सरसों की? 35 मन लाए हो। तो अपनी क्या भाव की है? 6900 भी की है। तो आपके क्या लैब कितनी आ रही है उसमें? 41.80। तो लगभग 7000 का भाव है सरसों का समथिंग। सरसों आपकी बहुत बढ़िया। तो आपके एक बीघा में कितने सरसों निकल रही है वहाँ पर कैरवा जाट में? 13-14 मन बीघा निकल रही है। ठीक है सर, धन्यवाद। एक किसान मेरे सामने और खड़े हैं। सबसे पहले तो नाम बताएं अपना। सर मेरा नाम मोहन सिंह। मोहन सिंह, गांव कौन सा है? गांव में बहाला सा हूं। बहाला से। आप तो कितनी बोल रहे हो सरसों की? सर मैं सरसों लेकर आया हूं, लेकिन अभी तक मेरे सरसों का भाव नहीं मिला। कोई भाव नहीं मिला, बिकी नहीं है मतलब अभी। तो अभी आपके जो जिस फट पे सरसों लेकर आया, क्या भाव बिके कुछ अंदाजा? हमारे सामने अभी कुछ देर पहले सर ये सरसों बिकी थी। 41.60 लैब की है। 7125 के भाव से गई है। तो उसकी लैब कितनी आ रही है सर? इसकी लैब थी 43%। वो किसान क्या यहाँ पर है क्या? हाँ सर, नहीं है, कोई खेड़ कर का किसान है सर। तो उसकी लैब आ रही 43.60 और भाव रहा 7125। तो लगभग मंडी टॉप रही है ये सर। ठीक सर, जानकारी देने के लिए धन्यवाद। ठीक, ओके।